तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचेन डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एक एंसेस्टर को मार देता है और अब वह मास्टर जाओ और मास्टर नांगुआंग के साथ वहां से आगे चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सीक्रेट हॉल में एक डिसाइपल झाड़ू लगा रहा होता है और अब वह उस जगह को साफ करके वहां से बाहर जाने लगता है। तभी अचानक से हॉल के बीच में मौजूद 5 जेड काफी तेजी से ग्लो करने लगते हैं और अब उनमें से एक जेड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही वह डिसाइपल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी क्लैन के सभी एल्डर्स भागते हुए उस जगह पर आते हैं और बोलते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ। वहीं पर वह पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका होता है। तभी सेक्ट मास्टर भी काफी तेजी से उस जगह पर पहुंच जाता है और अब वह उस डिस्ट्रॉय हो चुके जेड को देखते हुए गुस्से में उस डिसाइपल से बोलता है आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। यह सुनते ही वह डिसाइपल और भी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मास्टर मैं तो बस यहाँ पर सफाई कर रहा था और जब यहाँ की सफाई खत्म करके मैं यहाँ से बाहर जाने लगा तभी अचानक से अपने आप ही यह जेड डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी पूरा सेक्ट काफी तेजी से हिलने लगता है और अब काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर के साथ सेक्ट का एंसेस्टर भी उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह भागते हुए उस जेड के पास जाता है और उसे टूटा हुआ देखकर वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है सुफेंग आखिर यह कैसे हो सकता है। और अब वह सेक्ट मास्टर की ओर देखते हुए बोलता है मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द इस बारे में पता करो आखिर सुफेंग के साथ क्या हुआ है। सुफेंग को मैंने क्वेंचेन के पीछे उसे मारने के लिए भेजा था पर सुफेंग का जेड डिस्ट्रॉय हो चुका है इसका मतलब वह मारा जा चुका है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सुफेंग की मौत में क्वेंचेन का हाथ है। अगर यह सब कुछ क्वेंचेन की वजह से हुआ है तो मैं क्वेंचेन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि क्वेंचेन अपने दोनों साथियों के साथ डांडाओ सिटी में पहुंच चुका होता है और अब वह देखता है कि डांडाओ सिटी के एंट्रेंस पर कई सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं जो वहां पर आने वाले सभी लोगों से 50,000 गोल्ड क्वाइन मांग रहे होते हैं क्योंकि 50,000 गोल्ड क्वाइन के बदले वह उन सभी लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दे रहे होते हैं और बिना आइडेंटिटी कार्ड के कोई भी डांडाओ सिटी के अंदर नहीं जा सकता है। अब यह देखकर मास्टर नांगुआंग बोलने लगते हैं 50,000 गोल्ड कॉइन में एक आइडेंटिटी कार्ड वह भी बस 6 महीनों के लिए यह बहुत ही ज्यादा महंगा है। यहाँ पर मौजूद सोल्जर सभी लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक सोल्जर उनकी बात सुन लेता है और अब वह उनके पास आते हुए बोलता है तुम जैसे गरीबों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है और अगर तुम लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड खरीदने के पैसे नहीं है तब तुम डांडाओ सिटी के अंदर भी नहीं जा सकते हो, यहाँ से वापस चले जाओ। तभी मास्टर जाओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं मेरे जूनियर तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे दोस्त को सिटी के रूल के बारे में नहीं पता है इसीलिए यह यहाँ पर यह सब कुछ बोल गया तो मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बारे में भूल जाओगे। तभी वह सोल्जर हंसते हुए बोलता है बेवकूफ आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना जूनियर बोलने की, मेरे पास तुमसे ज्यादा बड़ी पोजीशन है और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी क्वेंचेन गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम्हारी जुबान यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चलती है तो क्या तुम्हें इसका परिणाम पता है। यह सुनते ही वह सोल्जर गुस्से में क्वेंचेन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। तभी क्वेंचेन अपने ऑरा प्रेशर का यूज करते हुए उस पर्सन को खुद से दूर धकेल देता है। अब यह देखते ही उस पर्सन के सभी साथी आगे आते हुए बोलते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डांडाओ सिटी के सोल्जर पर अटैक करने की और अब वह सभी लोग एक साथ क्वेंचेन के ऊपर अटैक करते हैं पर तभी क्वेंचेन दोबारा से अपने एनर्जी प्रेशर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को घायल कर देता है। अब यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर यह पर्सन है कौन, यह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या यह रॉयल आर्मी से बिलोंग करता है। अभी उन सभी सोल्जर्स का कमांडर वहां पर आते हुए बोलता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डांडाओ सिटी के सोल्जर्स पर अटैक करने की और अब वह अपने गोल्डन बियर मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए क्वेंचेन के ऊपर अटैक करता है पर क्वेंचेन बस अपने एक ही स्लैश अटैक में उस गोल्डन बियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उस कमांडर को घायल कर देता है। यह देखते ही अब वह पर्सन अपने फायर फिस्ट का यूज करते हुए क्वेंचेन के ऊपर अटैक करता है पर क्वेंचेन अपने थंडर फिस्ट से उस पर्सन को घायल करते हुए दूर फेंक देता है। तभी वह पर्सन दोबारा से खड़ा होते हुए बोलता है आखिर तुम खुद को समझते क्या हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह अटैक करने की, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है।
तभी क्वेंचैन बोलता है, बेवकूफ, गलती हमने यहाँ पर नहीं बल्कि तुम्हारे बेवकूफ सोल्जर्स ने की है, तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे बहस करने के बजाय अपने सोल्जर्स को पनिश करना चाहिए। जो सुनते ही उसके सभी सोल्जर्स उस पर्सन के पास जाते हैं और अब वह बो डाउन करते हुए बोलते हैं, मास्टर, हमने इन लोगों के ऊपर इसीलिए अटैक किया क्योंकि यह लोग डांडाओ सिटी की बेइज्जती कर रहे थे। तभी मास्टर जाओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मैं डांडाओ सिटी का एक अल्केमिस्ट हूँ, तो आखिर मैं खुद अपने ही सिटी की बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? और तुम लोगों को नहीं पता कि तुमने यहाँ पर हम पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है? जो सुनते ही उन सोल्जर्स का कमांडर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो क्या तुम सच में एक अल्केमिस्ट हो? यह सुनते ही मास्टर जाओ अपना अल्केमिस्ट बैच बाहर निकालते हैं। तभी वह पर्सन देखता है कि मास्टर जाओ बस एक सिक्स्थ लेवल अल्केमिस्ट होते हैं। यह देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, तुम बस एक सिक्स्थ लेवल अल्केमिस्ट हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पिल पवेलियन या फिर लॉ इन्फोर्समेंट का कोई भी इंसान तुम्हें जानता होगा। मास्टर जाओ हंसते हुए बोलते हैं, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और अब वह अपना बैच फेंक कर उस पर्सन को देते हैं और बोलते हैं, तुम अगर चाहो तो यहाँ पर खुद ब खुद चेक कर सकते हो। अब यह सुनते ही वह पर्सन मास्टर जाओ के बैच को वहाँ पर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि मास्टर जाओ पिल पवेलियन के हेडक्वार्टर से बिलोंग करते हैं, जो देखकर उसे वहां पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और अब वह सोचने लगता है, इस पर्सन को पिल पवेलियन के हेडक्वार्टर से डायरेक्ट यह बैच मिला है, तो अब मुझे यहां पर क्या करना चाहिए? तभी एक पर्सन उस जगह पर आता है और अब वह बोलता है, आखिर इस जगह पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अब उसे देखते ही वह कमांडर भागते हुए उस पर्सन के पास जाता है और उसे वह बैच दिखाते हुए बोलता है, मास्टर, इन लोगों से हमारे सोल्जर की यहाँ पर फाइट हो गई है, पर इस पर्सन का बैच मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा है कि यह पर्सन हेडक्वार्टर से बिलोंग करता है। जो सुनते ही वह पर्सन बोलता है, मैं खुद इस पर्सन का बैच चेक करना चाहता हूँ। और अब वह भी आगे बढ़कर मास्टर जाओ के बैच को चेक करता है और अब वह सोचने लगता है, यह तो जुओ क्वेनफेंग का बैच है, तो क्या यह पर्सन सच में जुओ क्वेनफेंग है? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।